हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभु राजपूत एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज वीडियो सेशन ऑफ कानबान सिस्टम। देखिए दोस्तों, अब तक जो है हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बहुत सारे जो रिसेंट ट्रेंड्स अभी जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम में आप लोगों ने लास्ट में देखा कि जापान की जो टोयोटा कंपनी थी वहीं से ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है, जो जस्ट इन टाइम है, वहीं से इन्वेंट हुआ है। ठीक है, तो इनके अंदर जो शेड्यूलिंग का काम करता है, क्या काम करता है, जो शेड्यूलिंग का काम करता है वो कानबान सिस्टम जो है वो काम करता है, वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इट ये भी आप एक बोल सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड जस्ट इन टाइम। सो देखिए, कानबान सिस्टम, पहले ये जो कानबान वर्ड जो है, ठीक है, कानबान वर्ड जो है वो जापानीज वर्ड है। कानबान का मतलब होता है क्यू लिमिटर। क्यू लिमिटर से आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो है वो सिस्टम किसके रिस्पेक्ट में है। तो ये सिस्टम जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। देखिए, जस्ट इन टाइम के जो दो वेस्टेज थे, एक था वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो दोनों जो है वो इससे सॉल्व हो जाएंगे कानबान सिस्टम से। ठीक है, कानबान सिस्टम, तो कान का मतलब होता है कार्ड और बान का मतलब होता है सिग्नल। तो ये कार्ड के रिस्पेक्ट में, सिग्नल के रिस्पेक्ट में, ये सब जो मतलब है ये आप जब पूरा कानबान सिस्टम पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो टोयोटा के जो इंजीनियर टाइची ओहनो ने ये जो है कानबान सिस्टम इन्वेंट की थी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, कानबान का मतलब है क्यू लिमिटर, कि जो लाइन, जो कतार है उसको वो बहुत ही छोटी बना देता है, जैसे कि वेटिंग है या इन्वेंट्री जो हम रखते हैं। देखिए, इन्वेंट्री हमें प्रॉपर अगर हम इंडस्ट्री के अंदर रखेंगे तो हमें कितने बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला कि इन्वेंट्री के अंदर जो इन्वेस्ट है वो ऐसे ही स्टेबल है, स्टैटिक है, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है वो ऐसे ही रहने वाला है, करंटली कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अगर इन्वेंट्री के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तो पैसे वहीं रहेंगे, उसका इंटरेस्ट लगेगा उसको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, स्टोरेज, गोडाउन, ये सब चाहिए होगा लाइक। तो ज़्यादा इन्वेंट्री से ज़्यादा जगह, मतलब शॉर्ट में बोले तो ज़्यादा पैसों का वेस्टेज है। सो इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी हमें जो रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए। सो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की, इन्वेंट्री को प्रॉपर जो है वो जितना ऑब्जेक्ट चाहिए, वेदर इन अ प्रोडक्शन वेदर इन अ ट्रांसपोर्ट, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ कानबान सिस्टम। तो वो जो कंट्रोल करने की जो सिस्टम है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की, उसे बोलते हैं कानबान सिस्टम। तो जीआईटी के अंदर जो वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो सब इसे जो है सॉल्व हो जाएगा। कानबान की जरूरत ये है कि जीआईटी में वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री करना, शेड्यूलिंग करना, शेड्यूलिंग दोनों का शेड्यूलिंग टेक्निक जस्ट इन टाइम या लीन मैन्युफैक्चरिंग की देख लो तो कानबान है। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन, नीड और मीनिंग। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की सिस्टम है, उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर तीन मेथड से जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है। सिंपल कार्ड से, सिंपल कार्ड का यहाँ पे हमने जो है वो डेमो भी दिखाया हुआ है, फिर विजुअल मैनेजमेंट सिर्फ देख के, ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये आपकी बुक में नहीं है, ये लेटेस्ट अभी कंपनी के अंदर यूज होता है। ठीक है, कार्ड की जगह बार कोड स्कैनिंग से यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर आएगा, वो सब ये जो है हम, ये जो है यहाँ पे आएगा वो आपको पता चलेगा। कानबान सिस्टम इज द नॉट अ स्टैटिक टूल। एक बार कानबान सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर दिया फिर ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरी कानबान के अंदर, तभी जो है वो वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री आप कंट्रोल कर पाओगे और अल्टीमेटली जो पैसा है वो सेव कर पाओगे। तो कानबान सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए वर्किंग इसका, देखिए इसके अंदर बेनिफिट्स और ये नीड मीनिंग ये सब आपको है ना तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको इसका प्रॉपर वर्किंग नहीं समझ में आता है। बुक के अंदर इन सब के अंदर पहले बेनिफिट्स और ये सब दिए हुए हैं, ठीक है, बट पहले जो है आप इसका वर्किंग समझ लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा इन ग्रेटर मैनर, राइट। सबसे पहले समझिए वर्किंग मेथड में मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल में पुश सिस्टम होता है, जस्ट इन टाइम मतलब कान बान के अंदर जो है वो पुल सिस्टम होता है। ये दोनों प्रोडक्शन के सिस्टम है। पुश का मतलब क्या है समझिए, सपोज मास प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहले रॉ मटेरियल पहले मशीन पे आता है, पहले मशीन पे हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, उसको क्या कर दिया पुश कर दिया दूसरे मशीन पे, दूसरे मशीन में मैन्युफैक्चरिंग किया फिर पुश किया तीसरे मशीन पे, तीसरे मशीन ने मैन्युफैक्चरिंग किया फिर फोर्थ मशीन पे लाइन वाइज और लास्ट में स्टोरेज में। स्टोरेज में क्या होता जाता है कि वो स्टॉक जो है वो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जिसको जरूरत है जितना वो निकाल सकता है, नहीं तो जमा होता जाएगा वो, ठीक है। कितनी रिक्वायरमेंट है, देखिए ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो भी हमें पता चलेगा नहीं, क्योंकि हम तो क्या है पुश मटेरियल को एक मशीन से दूसरे मशीन में, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन में, तीसरे मशीन से चौथे मशीन में, ऐसे पुश करते जा रहे हैं। प्रोडक्शन आगे कितना हुआ क्या हुआ उसका कुछ हम रिपोर्ट ले रहे नहीं है, ठीक है, वेयर हाउस में जगह है नहीं है क्या है, इसे बोलते हैं पुश सिस्टम। पुल सिस्टम क्या है ये इसका वर्किंग समझिएगा। पुल सिस्टम का मतलब है पहले एंड में देखो स्टोरेज में कितने प्रोडक्शन है, सपोज 100 है, जैसे फिक्स 100 हो जाए तो उसके बाद प्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है, 100 जितना हो गया फिर वो जो है वो 100 में से 60-70 प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी ले ले और लिमिट के अंदर आए फिर प्रोडक्शन चालू करना, मतलब सब क्या होगा उल्टी डायरेक्शन में होगा कि एंड यहाँ पे पुश सिस्टम था, यहाँ पे पुल सिस्टम में सबसे पहले एंड में रिक्वायरमेंट है तो वो ऑर्डर देगा, फिर वो प्रीवियस मशीन को ऑर्डर देगा कि मुझे मटेरियल चाहिए, फोर्थ नंबर वाला मशीन बोलेगा कि मुझे मटेरियल चाहिए तीन नंबर वाले दो, तो तीन नंबर वाला दो नंबर वाले को बोलेगा, दो नंबर वाला एक नंबर वाले को बोलेगा और एक नंबर स्टोरेज को बोलेगा। ऐसे रिवर्स में होगा, मटेरियल का फ्लो जो है वो पुल होगा, वेदर ये जस्ट इन टाइम के अंदर, और वर्क ट्रेडिशनल के अंदर कैसा पुश जैसा था 1-2, 2-3, 3-4, बस इतना सिंपल है। अब देखिए अब दो टाइप के कानबान है, एक है प्रोडक्शन कानबान और एक है ट्रांसपोर्ट कानबान। देखिए प्रोडक्शन कानबान के अंदर इतना नहीं है, ये दोनों प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कानबान दोनों आपको इसके अंदर समझ में आएगा। प्रोडक्शन कानबान के अंदर अपस्ट्रीम फ्लो होता है और डाउनस्ट्रीम होता है, तो ट्रांसपोर्ट कानबान ये सब समझाता हूँ कि प्रोडक्शन के अंदर जितने प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि जो है हमें जो है वो इधर 5 मिलिंग मशीन है, 2 प्रोसेस करनी है मिलिंग मशीन पे और लेथ मशीन पे, तो ए प्रोसेस नाम दे दो मिलिंग को, बी प्रोसेस नाम दे दो लेथ मशीन को, तो ए पे कितना प्रोडक्शन करना है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। जैसे 100 यूनिट बनाना है तो इसने 100 यूनिट बना दिया, फिर 100 यूनिट बनाने के बाद उसने क्या कर दिया एक कंटेनर या एक स्टोरेज के अंदर फिक्स कर दिया कि इतना यूनिट है 100 यूनिट बन गया है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना नहीं है, ठीक है। बाद में वो 100 यूनिट ट्रांसपोर्ट कानबान लेके जाएगा फिर इसको वापस प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, वो सब मैं बाद में बताता हूँ। तो प्रोडक्शन वाले को क्या ध्यान रखना है कि ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है, उसके कंटेनर उसके बीन के अंदर जो रिक्वायर्ड है जो कानबान शेड्यूलिंग में लिखा है उतने प्रोडक्ट होने चाहिए, अगर उतने प्रोडक्ट नहीं है तो वापस उसको प्रोडक्शन करना है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन कानबान। इन शॉर्ट कि मशीन को पता है कि इसको जो है इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट रेडी करके यहाँ पे रखने हैं, अगर वो कंटेनर वो बीन के अंदर उतने नहीं है तो वापस प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, बट ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है, तो अवॉइड हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन। अब आगे देखिए प्रोडक्शन कानबान के बाद अब जो है मैं आपको पूरा वर्किंग समझाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सपोज ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का लेआउट अब ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर क्या है कि ये जो है सबसे पहले कंटेनर है, कंटेनर बोल दीजिए अगर छोटा है तो बीन या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे स्टोरेज में रॉ मटेरियल होगा,
ठीक है। अब यहाँ से ये प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस वन का जो रोम फिनिश प्रोडक्ट स्टोर यहाँ पे होगा, यहाँ के बाद ये जो वन में से जो है वो पार्ट टू में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से बी प्रोसेस होगी और यहाँ पे उसका फाइनल प्रोडक्ट रेडी है। तो मटेरियल का फ्लो देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर प्रोसेस वन, फिर उसका स्टोर रूम, और वहाँ से प्रोसेस टू का जो है वो प्रोसेस ए के बाद बी हो रही है, इसलिए तो ये उसका जो है रॉ मटेरियल का स्टोरेज, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इसके लिए रॉ मटेरियल है, फिर यहाँ पे प्रोसेस होके फिर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा और यहाँ से जो है जिसको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। तो पार्ट्स का फ्लो देखिए ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कानबान के अंदर सपोज यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है 100, कि 100 प्रोडक्ट फिक्स है कि वहाँ पे मुझे फिनिश चाहिए। अगर 100 प्रोडक्ट से नीचे जाएगा तो कानबान के कार्ड के अंदर लिखा होगा, शेड्यूलिंग के अंदर लिखा होगा कि अब मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, उसकी लिमिट से अगर कम होगा तो उसे पता होगा कि अब मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, देखो इसको चाहिए प्रोडक्ट्स चाहिए फाइनल, तो वो क्या करेगा कि ये जो है प्रोसेस बी को बोलेगा कि प्रोडक्शन स्टार्ट करो। ये प्रोडक्शन वाला है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कानबान, पी यानी प्रोडक्शन कानबान और टी यानी ट्रांसपोर्ट कानबान। उल्टा सिस्टम है, देखिए ध्यान से, जितना रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, जितना भी चाहिए उतना प्रोड्यूस करो, ज्यादा स्टॉक में, ज्यादा मटेरियल इन्वेंट्री में ये सब नहीं रखिए। देखिए तो अभी प्रोसेस बी वाले को प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो ये इसका कांटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे उतने प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये जो है पहले वाले के जो फिनिश प्रोडक्ट है वहाँ से, ये देखिए ये उसका जो ट्रांसपोर्ट कानबान है, ठीक है, यहाँ से यहाँ करने वाले ट्रांसपोर्ट मटेरियल करना होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कानबान है वो इसको ऑर्डर देगा कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट नहीं है तो आप भेजिए। अब इसमें से यहाँ पे भेजेंगे, अगर इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो ये ए वाले प्रोसेस को बोलेगा कि मुझे प्रोसेस कानबान कि मुझे इतने प्रोडक्ट बना के दो क्योंकि मुझे आगे भेजना है, ठीक है। फिर अगर इसको प्रोसेस करना है तो वो किसको बोलेगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि मुझे इतना रॉ मटेरियल दो, ठीक है। तो देखिए कि हम पार्ट्स का फ्लो इस तरफ है, रिक्वायरमेंट का फ्लो उल्टा है, ठीक है। सबका देखो, सबका ये कंटेनर वन का, कंटेनर टू का, कंटेनर थ्री का, कंटेनर फोर का, सबका कार्ड कानबान कार्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर जो फिक्स्ड वैल्यू के प्रोडक्ट्स है उतने इसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो इंडिविजुअल प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे इसको जो है वो 100 चाहिए, नहीं होगा तो वो रॉ मटेरियल से मंगा ले। अब इसको प्रोडक्शन करके इधर कितने डालने, सपोज 50 डालने, 50 तो ये प्रोडक्शन करके 50 डाल देगा। फिर आगे देखिए, आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर 30 हो गया, यहाँ से 20 यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ खुद प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है सब बीन की, सब स्टोरेज की फिक्स्ड वैल्यू जो कानबान कार्ड के अंदर लिखी है उतनी होनी चाहिए। नहीं होगी तो इधर प्रोसेस कानबान स्टार्ट हो जाएगा या फिर ट्रांसपोर्ट कानबान स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये सब करना है, शेड्यूलिंग करना है, तो इसे बोलते हैं कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम के अंदर आपके क्या एडवांटेजेस है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट इसमें देखिए कि वो तुम फ्लो ऑफ मटेरियल इज सो परफेक्ट, जितना रिक्वायरमेंट है उतना। तो इन सब से आप क्या है कि इन्वेंट्री कितना रखना है वो बहुत ही अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। इन्वेंट्री के अंदर जो वेस्ट है नहीं होगा, ओवर प्रोडक्शन के अंदर जो वेस्ट है नहीं होगा। अब देखिए, अब ये जो ट्रांसपोर्ट कानबान है ना, उसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ठीक है, जो मटेरियल जो है वो सप्लाई हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कानबान ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐसा कार्ड होता है कि पार्ट नंबर ये है, स्लिप रिंग्स है, बॉक्स की कैपेसिटी 25 है, ए टाइप है, मशीनिंग M2 वाले मशीन के अंदर मशीनिंग हुआ है, असेंबली A4 की तरफ जा रहा है, इशू नंबर और ये सब लिखा होता है।
करंटली इंडस्ट्री के अंदर ऐसा यूज नहीं होता है बारकोड स्कैनिंग वाला, जैसे हम मॉल में या वहां सब जाते हैं तो कैसे परचेस बारकोड डायरेक्ट वैल्यू डिटेल सब आ जाती है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ बारकोड लगा देते हैं, अभी बारकोड सिस्टम यूज होता है तो डायरेक्टली फिर उसको पता चल जाता है कहाँ जाना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ ऐसा कार्ड बनाता है, ठीक है, और ये उसका पूरा वर्किंग है। नाउ आपको प्रोडक्शन कानबान समझ में आ गया होगा कि ये जो है, ये देखिए ये प्रोडक्शन कानबान है, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट कानबान है कि इधर से मटेरियल इधर नहीं मिला तो ये क्या करेगा, ऑर्डर देगा इसको, फिर ये ऑर्डर उसको देगा, तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल को हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का कानबान और ये बनाने का, ना ओवर प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना है। तो पुल पुश सिस्टम भी आपको पता चल गया होगा, कन्वेंशनल पुश में क्या है, यहाँ से इधर दे दिया, इधर से इधर दे दिया, इधर से इधर दे दिया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ कितने प्रोडक्ट है हमने कुछ लेना देना नहीं, यहाँ से बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, दैट्स कॉल्ड पुश सिस्टम। बट रिवर्स, हमें मटेरियल चाहिए, इसको ऑर्डर दिए, इसे भी मटेरियल, यहाँ से ये इसने क्या किया, पुल किया, ये यहाँ से पुल करेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो दिस वे पुल सिस्टम, ठीक है, जस्ट इन टाइम एंड फॉर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पुश सिस्टम। सो नाउ यू नो अबाउट द पुल सिस्टम एंड पुश सिस्टम, तो ये कानबान आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए शेड्यूलिंग टेक्निक आपको पता चल गया, ये सिंपल कार्ड विजुअल मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो यहाँ कार्ड के दौर में यूज होता है, बारकोड इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, विजुअल देख के भी हम कर सकते हैं कि कितना कहाँ पे भेजना है, ये सब सिंपल कार्ड ये पहले यूज होते थे, ठीक है। अब आपको आई थिंक कानबान देखिए, अब कानबान क्यों स्टैटिक टूल है, स्टैटिक टूल नहीं है, एक बार आपने इंप्लीमेंट कर दिया कुछ फिलोसोफी तो फिर उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, कंटिन्यूस, देखिए कंटिन्यूस हमें वॉच रखना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइनल गुड्स है नहीं है, ये सब हमें कंटिन्यूस वॉच रखना पड़ेगा, मतलब एक डायनेमिक फिनोमेनन है जो आपको रूटीन में डे बाय डे के अंदर जब आप प्रोडक्शन या कुछ कर रहे होंगे तब हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कानबान सिस्टम, तो कानबान के बारे में अब आपको पता चल गया। अब कानबान समझने के बाद ये देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर हमने अगर कानबान सिस्टम एडॉप्ट किया है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। सो कानबान का जो वर्किंग है वो अच्छे से समझने के बाद अब जो है हम उसके बेनिफिट्स या फंक्शंस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको फंक्शंस बोले तो भी यही लिखने हैं, अगर बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ कानबान बोले तो भी आपको यही लिखने हैं, क्योंकि जो उस काम करेगा उसी से बेनिफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे वही उसका काम है, देखिए अंदर आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज सो इट सेट्स द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, देखिए प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर वो लिमिट सेट कर देगा, मतलब यहाँ पे मैंने 100 लिखा है तो इसको 100 ही प्रोड्यूस करना है, उससे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करना नहीं है, मतलब बीन जो कंटेनर्स है उसकी जो फिक्स वैल्यू है कि इसके अंदर इतने पार्ट्स होने चाहिए वो हो जाएंगे, फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। इट ऑथोराइज्ड प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ पार्ट्स इन द प्लांट, ये जिम्मेदारी लेता है कानबान पार्ट्स को डिलीवरी करने की और प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्शन मीन्स पी कानबान, डिलीवरी मीन्स टी कानबान। देखिए कि ये पी और टी कानबान जो है कि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन रहेगा ही जितना इंडस्ट्री को चाहिए, नहीं होगा रिक्वायरमेंट होगा तो पी कानबान ऑर्डर देगा और टी कानबान ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डर देगा, मतलब पी और टी कानबान जो कार्ड है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जो है इंडस्ट्री के अंदर पार्ट सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इट रिमूव्स वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, कंटेनर के अंदर जितनी वैल्यू लिखी है, जितनी फिक्स्ड है, जितनी कार्ड के अंदर लिखा है उतना ही आगे जाएगा, प्रोडक्शन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उसके पहले उसके बाद क्या मशीन क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। देखिए ये किसके जैसा है, ये ऑटोमेटिक हम पानी की टंकी भरने के लिए वो जो रखते हैं ना नल वाला, कि इतनी जो वाटर लेवल आ जाए तो फिर पंप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे ही प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद कर देना है। इट फिजिकली लिंक्स मटीरियल फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो,
फिजिकली आप देख सकते हो मटेरियल का फ्लो और उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, मटेरियल का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इंफॉर्मेशन कार्ड के अंदर या बार कोड के अंदर स्कैन करके फिजिकली क्या जा रहा है वो। इट रिकॉर्ड्स द मटेरियल फ्लो एक्यूरेटली बाय यूजिंग अ बार कोड और अदर सिस्टम। रिकॉर्ड तो रहेंगे ही, डायरेक्ट बार कोड स्कैन करेंगे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है, इसको कितने गए हैं, क्या ये सब फ्लो। तो ये सबसे क्या एडवांटेज होंगे पता है, ये सबसे आपको जो उसके साइड जो कोर रिलेवेंट आपको मटेरियल लाना है या कुछ अदर प्रोसेसेस करनी है तो उन सब के लिए गाइडेंस मिलेगा कि कितना इन्वेंट्री रखना है, क्या रखना है। मतलब आपको जो है एक तरह का पूरा विजिबिलिटी आ जाएगी कि इसके अंदर अगर कुछ एबनॉर्मल हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ये सब रिकॉर्ड और इन सब की वजह से। इसलिए इट मेक्स द एबनॉर्मलिटी विजिबल ड्यूरिंग मटेरियल, मटेरियल फ्लो के दरमियान ही आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा वगैरह कुछ होता है तो। इट गिव्स द प्रोडक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टू ईच एंड एवरी एरिया, प्रोडक्शन कितना करना है, क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, सभी एरिया को कानबान सिस्टम सभी एरिया को बताएगा कि किसको कितना प्रोडक्शन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कानबान सिस्टम। कानबान कहाँ से आया, टोयोटा जापान से आया। पुश सिस्टम, पुल सिस्टम कैसे वर्क करता है, पी कानबान, टी कानबान, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कानबान, ये सब आपको पता चल गया। अब देखिए ये कानबान थोड़ा आपको समझने में थोड़ा सा काफ़ी फ्रेंड्स को डिफ़िकल्टी होगा, ऐसे होना तो नहीं चाहिए पर अगर होगा तो हम जो है एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उसे देखिए। देखिए सबसे पहले ये जो गर्ल के हाथ में जो बिन है वो उसको मतलब प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो उसको ये तीन लाइन में से चूज करनी है कि उसको कहाँ पे जाना, मतलब प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट क्या। तो उसको जो है वो ऑरेंज लाइन पे जाना है उसके रिक्वायर्ड प्रोडक्शन लेने के लिए। तो ऑरेंज लाइन पे जाने के बाद वो जो है उसको पुल सिस्टम है इसलिए ये बिन के अंदर ऑलरेडी कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट्स रेडी है। सो इसको जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए वो ले लेगा, ठीक है। सपोज़ इसको देखिए चार जो प्रोडक्ट चाहिए तो वो उसने चार प्रोडक्ट लेके फिर वो क्या किए कि चले गए, ठीक है। तो उनका मतलब यहाँ पे जो दिव्या है हाँ तो इनको क्या इन्होंने रिकॉर्ड कराया कि इन्होंने जो चार प्रोडक्ट्स है स्टोर कीपर है तो वहाँ से लिए। अब ये जो है दूसरी गर्ल जो है सेली, अब इसको वापस ऑरेंज के अंदर जाना है और इसको फोर प्रोडक्ट सेम चाहिए, ठीक है। तो ऑरेंज पाथ पे जाएगा, अभी इसको फोर प्रोडक्ट चाहिए, बिन में कितने प्रोडक्ट है, ऑलरेडी दो ही प्रोडक्ट है। तो बाजू में देखिए कानबान कार्ड है, कानबान कार्ड के ऑलरेडी सिक्स क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो कानबान में से उसने क्या किया, अडॉप्ट किया दो क्वांटिटी और अडॉप्ट किया। तो कानबान सिस्टम का रिक्वायर्ड कितना था, सिक्स, तो दो चला गया तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। पता कैसे चलेगा, देखिए स्टोर कीपर को बता रहा है तो स्टोर कीपर ने स्टोर किया तो अभी बताया तो देखिए अभी वो बिन के अंदर जो रिक्वायर्ड था वो नहीं बचा, ठीक है। ऑर्डर रीऑर्डर, तो अभी उसके अंदर वापस क्या हो जाएगा, रीऑर्डर हो जाएगा कि कितना जो है हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो जो लिमिट से अगर कम आता है तो फिर चालू हो जाए। ये देखिए दूसरा प्रोडक्शन लाइन दिखा रहा है कि दूसरा प्रोडक्शन लाइन जो है अभी ये गर्ल को क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड बुक्स है वो यहाँ से उसने ले ली, ठीक है। जो सेट लिमिट है उससे अगर कम होगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट कानबान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और सारा ये जो डेटा स्टोर कीपर है आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बारकोड स्कैनर है। तो ऐसे अलग अलग जो है फ्लो आपको समझना है, ठीक है। यस सो फ्रेंड्स, हमने छोटे से स्मॉल वीडियो के अंदर देखा कि कैसे जो है जो लिमिट सेट थी बिन के अंदर उससे अगर कम होता है तो प्रोडक्शन कानबान जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन, और रिक्वायर्ड जितना उसका जो अमाउंट है सिक्स क्वांटिटी है सपोज कानबान की तो उतना क्या कर देता है, फिल अप कर देता है। अगर वो फिल हो गई तो फिर प्रोडक्शन कानबान प्रोडक्शन को बंद कर देता है और ट्रांसपोर्ट कानबान एक जगह से दूसरे जगह पे मटेरियल का सप्लाई करता है। तो ऐसे जो है रियल लाइफ के अंदर कानबान सिस्टम यूज होता है। आई होप आप लोगों को सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।